नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट समाचार में। इस समय हम शिवपुरी के तुलसी नगर कॉलोनी में मौजूद हैं। शिवपुरी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। लगातार शिवपुरी की बेटियां पूरे मध्य प्रदेश सहित भारत में अपना नाम रोशन कर रही हैं। ऐसी ही बेटी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने हाल ही में SSC CGL से GST इंस्पेक्टर का सफ़र तय किया है। आइए इनसे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका फास्ट समाचार में। थैंक यू सर। आपका ये सफर रहा, आपने स्टडी कहाँ से की, बेसिक जानकारी 10th 12th ग्रेजुएशन, फिर आप अभी फिर ग्रेजुएशन के बाद में आपने ये तैयारी की, यहाँ तक का क्या सफ़र रहा आपका? सर ऐसा है कि मैंने 2015 में 10th किया था एंड 2017 में 12th किया है। उसके बाद मैंने BA ऑनर्स ज्योग्राफी दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया। 2020 में मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने UPSC के लिए तैयारी की थी और फिर मैंने SSC CGL की तरफ एक जॉब सिक्योर करने के उद्देश्य से CGL के लिए प्रिपरेशन की। 2022 में मेरा PASC सिलेक्ट हुआ था मुंबई में, उसकी भी ज्वाइनिंग कुछ टाइम में आने वाली थी, पर उससे पहले जो मैंने CGL 2023 दिया था तो उसका रिजल्ट आ गया जिसमें फाइनली मुझे GST इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुई हूँ मैं, और इसकी पुष्टि मुझे बड़ोदरा गुजरात में मिली है। अच्छा, आपने SSC का सफ़र तय किया CGL का, तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपको, टोटल सब्जेक्ट, और कौन कौन से सब्जेक्टों में आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ा? इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GS। इंग्लिश और रीजनिंग मैनेजेबल है, हो सकती है आराम से। इंग्लिश भी सेम है कि अगर आप डेली रीडिंग कर रहे हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं या फिर कुछ भी इंग्लिश में जो आप रीड करेंगे उससे आपकी कमांड बन जाती है उस सब्जेक्ट पर। और मैथ्स, इसमें मैं कहूँगी कि मैथ्स थोड़ा सा है कि जो थोड़ा टफ पड़ता है SSC CGL में, तो मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसमें प्रॉपर प्रैक्टिस करें मैथ्स की। और GS के लिए ये है कि ना, उसके लिए भी आप जितना स्टडी कर सकें, क्योंकि GS में मोस्टली बच्चे लैक करते हैं, सिलेक्शन ना होने का मेन रीज़न GS होता है। तो ये ज़रूरी है कि मैथ्स और GS दोनों पर ही स्टार्टिंग से फोकस रखा जाए, जिससे कि ना पेपर के टाइम तक एक कमांड दोनों सब्जेक्ट्स पर हो जाए हमारी। अच्छा, कितना आपने तैयारी में, इतना SSC CGL जो आपने तैयारी की है, कितना आपने वक्त लिया, और जो टफ पेपर हैं, या आपने पेपर पर वर्क तो किया है लेकिन इसके साथ में कुछ पुराने भी पेपर्स जो हैं उन पर अध्ययन किया था? हाँ, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं जितना ज़्यादा हो सकता है, मॉक टेस्ट दें, जैसे मैंने टेस्ट बुक से मॉक टेस्ट दिए थे, और भी ऑलिव बोर्ड है, जैसे और भी अदर एप्स हैं, RBEs वाले सर हैं, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो टेस्ट जितना ज़्यादा लगा सकते हैं, पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम टेस्ट कितना लगा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सब कर ही रहे हैं, पर ये ज़रूरी है कि साथ साथ में आप टेस्ट की भी जितनी प्रैक्टिस हो सके मॉक टेस्ट लगाएं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाएं, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपकी बड़ी सिस्टर हैं, वो भी SSC स्टेनोग्राफर हैं इंदौर में, तो क्या उन्हीं की तर्ज पे आपने तैयारी की है कि उनसे आपको मोटिवेशन मिली, क्या पूरा मामला रहा? सर ऐसा है कि मेरी दीदी 2018 में उनका SSC स्टेनोग्राफर से सिलेक्शन हुआ था, उनको उसमें इनकम टैक्स दिल्ली मिला था। फिर उन्होंने MP व्यापम से कलेक्टेड में ही वर्किंग थी, फिर उन्होंने एक अटेम्प्ट और दिया, तो 2018 में उनका सिलेक्शन हो गया था SSC स्टेनोग्राफर Grade 1। तो उसके बाद से ये है कि दीदी को देखकर एक मोटिवेशन रहता था कि जैसे वो अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। एज अ गर्ल मैं ये समझती हूँ कि ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिसे किसी पर डिपेंड ना रहें हम अपने किसी भी चीज़ के लिए। तो हमेशा से वो एक मोटिवेशनल फैक्टर रही है मेरे लिए। और होता है कि तैयारी में एस्पिरेंट्स को ऐसा लगता है कि अब नहीं हो रहा है, पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, तो वो हमेशा से एक मुझे पुश करती थी कि नहीं तो कर लेगी आराम से, अपनी प्रीवियस जो मुझे गिनाती थी कि पहले भी इतना अच्छा करा है सब कुछ, तो ये आसानी से किया जा सकता है, इतना कोई टफ काम नहीं है। दीदी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है हर चीज़ में ही रहा है। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है आपकी? फैमिली में मेरे मम्मी पापा, बड़ी दीदी हैं, छोटा भाई है, दादा दादी हैं। छोटा भाई क्या आपकी, मतलब एक ही तर्ज चल रही है कि बड़ी बहन, फिर आप भी GST इंस्पेक्टर, छोटा भाई क्या मतलब पढ़ाई कर रहा है, तो किस फील्ड में है अभी? सर वो अभी SSC के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो देखते हैं अभी एग्ज़ाम्स देगा, अभी उसकी एज अभी हुई है एग्ज़ाम देने की, तो देखते हैं वो भी देगा तब पता चलेगा। अच्छा, आप एक लड़की हो और बड़ी सिस्टर हैं आपकी, उन्होंने भी SSC स्टेनोग्राफर किया है, अभी ज्वाइन भी है उनका काम, मतलब नौकरी ले ली है उन्होंने, इंदौर में कर रही हैं अभी, तो क्या लगता है कि और जो लड़कियां तैयारी करती हैं और कहीं ना कहीं 2-3 बार उनको सफलता नहीं मिलती है, तो वो अपने आप को सही महसूस नहीं कर पाती हैं, तो क्या कहोगे उनके लिए, किस तरह से अपनी तैयारियाँ करें, किस तरह सब्जेक्टों पर ध्यान दें वो?
ये है कि ना आपको लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट तो होता नहीं है, और मैं जैसे कोई टिप बताऊंगी टिप्स भी नहीं होती हैं। ये है कि आप टॉपर्स की स्ट्रेटजी देखिए, अगर आप बिगनर हैं तो आप देखिए कि बाकी जो टॉपर्स हैं उन्होंने अपना कैसे स्टार्ट किया था। जैसे मैंने मेरा स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले टॉपर्स की स्ट्रेटजी वीडियो देखे, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। ये है कि जैसे मैंने सेल्फ स्टडी किया है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर उनको सेल्फ स्टडी नहीं करना है, कोचिंग लेना है, तो कोचिंग लीजिए, ऑफलाइन कोचिंग करिए, ऑनलाइन करिए। नहीं आ रहा है तो बार बार उसी चीज़ को सर्च करिए, मुझे क्यों नहीं आ रहा है, बाकी लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। तो हर चीज़ को, ये है कि आजकल फ़ोन के थ्रू कुछ भी किया जा सकता है, आराम से देखा जा सकता है, सर्च किया जा सकता है। ऑफलाइन में कई सारे अच्छे टीचर्स हैं, यहाँ शिवपुरी में भी हैं। तो ये है कि ना सब पॉसिबल है, ये मत सोचिए कि मेरे से नहीं हो रहा है या मैं नहीं कर पा रही हूँ, सब होता है, कोशिश करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, आपकी सफलता का राज क्या है, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस? सर मैंने सिर्फ मैथ्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस ली थी, गगन प्रताप सर का मैंने क्लासेस लिया था, बाकी इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस मैंने सेल्फ किए हैं। अच्छा, क्या स्नेह अग्रवाल का सफ़र यहीं ख़त्म होगा या फिर आगे भी कोई प्लान है आपका, कि लक्ष्य मिल चुका है या कि आगे भी कोई लक्ष्य है? सर मैं एक बार अभी तो जैसे मैं वर्क करूँगी, वहाँ पर देखूँगी क्या रहता है, वर्किंग कल्चर क्या है, मुझे अगर टाइम रहेगा तो मैं ट्राई करूँगी यूपीएससी अटैम्प्ट देने का। बाकी ये है कि मैं कहीं ना कहीं इसमें भी सेटिस्फाइड हूँ, पर अगर टाइम रहेगा तो मैं ज़रूर आगे कोशिश करूँगी। यूपीएससी में मेरा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस के लिए हाँ उसी के लिए रहेगा। तो देखा आपने, ये थी शिवपुरी की बेटी स्नेहा अग्रवाल, जिन्होंने एसएससी से जीएसटी इंस्पेक्टर का सफ़र तय किया है। तो लगातार आगे भी इस ऐसी खबरों के साथ बने रहिए फर्स्ट समाचार पर।